हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अहमद। तो मैंने सोचा आज बारिश में ही हम इंट्रो स्टार्ट कर लें। यार बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। इतनी यार गर्मी के बाद बारिश हुई है, बहुत ही सुकून हो गया। तो आज हमारा प्लान भी था कहीं जाने का, मामा का और हमारे भाइयों का। बारिश हो गई, देखो हम जाते हैं कि नहीं। मुश्किल ही लगता है मुझे तो जाना, क्योंकि बारिश बड़ी हो रही है। हमारे रोडों का ये बड़ा हाल है, पानी बड़ा खड़ा हो जाता है इतना गाड़ी के अंदर, फिर पानी आ जाएगा फिर और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए देखते हैं अब जाते हैं कि नहीं। देखने के लिए मेरे ब्लॉग के साथ जुड़िए रहे। यार बारिश भी सुबह की हो रही है, सुबह की स्टार्ट हुई है, पता नहीं कब की, नमाज के टाइम की या उससे पहले की। जब मैं उठा था तभी बारिश हो रही थी। मैं फ़ोन रख के अपना नीचे चला गया था, मैं कहा था वीडियो बनता छोड़ जाते हैं तो अच्छे अच्छे सीन आ जाएंगे, अब मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। चलो यार नीचे चलते हैं, बारिश सीढ़ियों में भी देखे कितनी बारिश आई हुई है, फिसलन हो गई है सारी, फिसलना चाहे बंदा। The next day. आज दूसरा दिन है, आज भी मौसम यार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा मौसम है। आपको मैंने दिखाया कल भी और आज भी मौसम मैं दिखाऊंगा। और अभी बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, अगर बारिश तेज़ हुई तो मैं नहाऊंगा, उसकी भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। बस दुआ करें बारिश हो जाए तेज़। यार अभी मैं एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ, इस वजह से फिर मैं कहा थोड़ा बाहर चल के मौसम अच्छा है व्लॉग ही बना लें, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज की वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हम अब हेल्दी नाश्ता करेंगे यार, दूध के साथ एप्पल। ये हेल्दी नाश्ता है सुबह के लिए। एप्पल वैसे सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, तो हम दूध और एप्पल साथ खाएंगे, एक एप्पल और साथ दूध का सेब। आय हाय आय हाय, मज़ा आ जाएगा। ये मज़ेदार। तो यार ये हमारा नानी घर है, आपको मैं किसी दिन इसका भी विजिट करवाऊंगा। आज मौसम चेक करो यार, बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम, बारिश होने वाली है यार। A few hours later. अब हम सारे शॉपिंग करने बाहर निकले हैं, हमने कहा कुछ शॉपिंग कर लें भाई, हम सारे इकट्ठे होके निकले। तो ये एक सरप्राइज़ रहेगा कि हम शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, ये एक सरप्राइज़ है। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, साथ जुड़िए रहे, आपको भी सारा साथ विज़िट कराएंगे, दिखाएंगे, पूरे मज़े करेंगे हम। बस मेरा ब्लॉग देखते रहिए, गुजारिएगा मत, तो फिर मजा खराब होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या होगा, सारा देखना व्लॉग। यार ये ब्लैक वाला अच्छा लगा है मुझे, या ये येलो वाला। मैं जो जो चूज कर रहा था मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको अच्छे लग रहे थे कि कपड़े के नहीं, लाजमी मुझे बताइएगा। मैं देखता रहा फिरता रहा दुकान को, साथ चक्कर मारा, दो तीन दफा चक्कर मारे दुकान के, कोई कपड़ा ही पसंद आ जाए। जिन जिन को मैं हाथ लगा रहा था मुझे वो पसंद आ रहे थे। अब ये तो सरप्राइज़ है कि मैंने कौन से कपड़े लिए हैं, जैसे कि मैंने बने बनाए लिए हैं या फिर ये सिलने वाले के, सिलने देने के लिए, ये सरप्राइज़ रहेगा। मुझे ना ऐसे के सूट बहुत पसंद है, ये ऐसे के मोटे हैं जिनके ऊपर ऐसे कढ़ाई होगी, हो मुझे ये बहुत अच्छा। तो यार अब फिटिंग रूम की तरफ जा रहा था मैं, यही ब्लू सूट ट्राई करने। यार अब ये वाला ट्राई करते हैं।
यार ये वाला कैसा लग रहा है सूट? देखते हैं, अब गट बाहर जाके दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, देखें यार। हेल्दी काफ़ी हो गया, पेट काफ़ी निकल आया है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे पता चल चुका है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब किए बगैर देखते हो मेरी वीडियोस, तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और जो आए और जो दोस्तों से भी अपने कहना सब्सक्राइब करो, और लाइक और शेयर तो मस्ट है। जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब करो, मुझे 1K तक जल्दी पहुँचाओ। यार ये वेस्ट पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, सूट भी बड़ा प्यारा है। देखते पूछते हैं मम्मा से लेते हैं कि नहीं। तो यार अभी ये भी ट्राई करते हैं, और ये वाला भी ट्राई करते हैं, देखते हैं शायद ये भी ट्राई करूं। यार यहाँ पे मैं वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, वो कह रहे थे वीडियो नहीं बनानी, मगर मैंने फिर भी छुप छुप की वीडियो बना ली थी। मैं कहा क्या होगा, देखी जाएगी जो भी होगा। वीडियो बना ली थोड़ी सी कपड़ों की, और थोड़ी सी मैंने परफ्यूम्स की बनाई। मुझे यहाँ पे यार परफ्यूम्स बहुत ही अच्छे लगे थे, इतने ब्रांड, इतनी ज़्यादा खुशबू फैली थी, इतनी लेवल की। यार यहाँ पे बंदे ने कह दिया वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फ़ौरन बंद कर दिया हमने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। फिर हम नसर आए निशात हैं, पहले हम निशात के अंदर गए, देखा कोई सूट आता है पसंद के नहीं। देखा आया तो था पसंद, सूट तो काफ़ी वहाँ पे भी अच्छे थे। सारा चक्कर चुक्कर मारा, देखा कैसे कैसे सूट हैं। निशात में ज़्यादा अच्छे हैं, स्पायर में ज़्यादा अच्छे हैं, मगर यार स्पायर के ना सूट ज़्यादा अच्छे मुझे लगे थे, पता नहीं क्यों। ये भी यहाँ के भी अच्छे थे, मगर स्पायर के ना लेवल थे वहाँ के ज़्यादा अच्छे थे। मैंने सोचा अपने आप को भी तो लेके आए, बस कपड़े ही दिखाई जाए, और अपने आप को लाने से शीशे के सामने गया सबसे पहले, फिर अपने आप को लाया दिखाया कि क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जब वीडियो बना रही थी, हम अगले दिन दोबारा शॉपिंग करने गए थे, तब हमारी शॉपिंग पूरी नहीं थी, कुछ चीज़ें मिली नहीं थी, तो फिर हमने कहा अगले दिन चक्कर लगा ले। फिर हम आपने मुझे ये बताना है कि ये मैं कहाँ पे आया हूँ, कौन सी शॉप में आया हूँ। चेक करो यहाँ, जहाँ पे सारी पर्सनैलिटीज़ आई हैं, इमरान खान आया है, और भी बड़े क्रिकेटर्स आए हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ आई हैं सारी यहाँ पे। सारे यहाँ पे शूज़ लेने आते थे, ये देखिए पिक्चर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो जनरल भी आया था कोई। अब आपने मुझे बताना है कि मैं कहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे ये है जो पाकिस्तान का सबसे लंबा लड़का है, जिसका यहाँ पे जूता बनता है, सबसे लंबा बंदा है। मैंने इतनी सारी शॉपिंग क्यों की है ये आपको मेरे अगले ब्लॉग में पता चलेगा, और देखने के लिए मेरे ब्लॉग के साथ जुड़िए रहे और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। यहाँ पे मैं मैट ढूंढने गया था, वो मैं अब यहाँ पे कह रहा हूँ कि यार अब चलो मैट लाते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ये बता रहा था। फिर मैं मैट लेने गया, तो आप सोच रहे होंगे आगे से गीला क्या है, वो यार वो पानी पिया था, पानी गिर गया था सामने। तो फिर अब मैट मूड लाया, मैंने मैट बिछाया, तो यार बाहर यहाँ पे मैं कह रहा था कि बाहर गर्मी बहुत है, आप लोग ये कह रहे हो बाहर क्यों नहीं करते खुली हवा में, यार गर्मी बहुत सी बाहर, धूप इतनी तेज थी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो फिर यहाँ पे मैंने ला के मैट बिछाया, मिट्टी भरी थी, मिट्टी ऐसे उड़ के फोन में मेरे मुंह के ऊपर आई थी। चलो यार अब जो भी है खैर है, एक्सरसाइज तो मैंने फिर यहाँ पे मैट बिछा दिया, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी हमने, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। ये यहाँ पे देर लग रही थी कि वो मैट वो गंदा गुंदा था सारा, तो सर साइड पे किया, ये मैंने बिछाया, देखना मिट्टी, देखना है मिट्टी आई सारी, चेक किया मिट्टी मिट्टी हो गई थी। चलो तो यार मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, सबसे पहले ना मैंने स्क्वाट्स लगाए थे, ये देख आप वो कह रहे हो कि सही बैठ के स्क्वाट नहीं लगाइए, क्या ये कोई स्क्वाट होते हैं यार, क्या कहते हैं मेरी ना टांगे तो 2-3 दिन एक्सरसाइज किया, वो सख्त इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरे से ज़्यादा नीचे नहीं होया जा रहा था। तो मैंने जैसे लगी मैं लगाता गया, थोड़ी सी मैंने स्क्वाट्स लगाए और सांस लिया मैंने।
वो गिरने लगा था मैं, फिर मैं दोबारा स्क्वैश लगाई, मैंने जंपिंग भी की, आप सारा कुछ आपके सामने है, आप देखते रहिए। मैंने बलवानी पुशअप भी लगाया, ये यार रस्सा रस्से वाले जो होते हैं जंप, वो किए थे मैंने, वो बड़ा अच्छा होता है जिस्म के लिए। आगे सारे पुलवाने पुशअप सब कुछ किए थे, वो आगे आगे सब कुछ आगे आगे देखेगा। हमने बॉक्सिंग के लिए भी लटकाया हुआ है, हम कभी कभी इसे बॉक्सिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। यार आप लोगों ने मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो देख ली है,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगेगा, और एक्सरसाइज की वीडियो मेरी कैसी लगी, को सही की है कि नहीं कमेंट मुझे लाजमी बताइएगा। ये देखो यार पास धूप कितनी तेज़ है, मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे गर्मी से गर्मी बहुत लगेगी, इस वजह से मैंने अंदर की है फिर। तो चलो यार अब नीचे जाके फ्रेश व्रेश होते हैं, पसीना पसूना बहुत आ गया है, तो जाके गर्मी गर्मी निकालते हैं, नहाते नहाते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं, फिर आपको मैं मिलता हूँ अगले पार्ट में। यार आज हम ओरियो केक बनाएंगे, देखते हैं वो कैसे बनते हैं। यार हम चार ओरियो डालने हैं, अब हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये देखें चार ओरियो में इतना सा अपने दूध डालना, ज़्यादा ना हो। अब हम इसको अच्छी तरह स्मैश कर, लेंगे। ये देखें अभी स्मैश कर रहे हैं। A few inches later. यार ये देख सकते हैं अभी पूरा स्मैश कर रहे हैं, देखें अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ही आ रहा है ना, ये बिल्कुल हमने ख़त्म कर लेना है। देखें ये बिल्कुल ख़त्म करेंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा होगा फिर बनाएंगे। तो यार अब हम 1 टेबल स्पून ये इतनी सी शुगर डाल लेंगे, बस भी देखें अगर थोड़ा सा कम कर दे, थोड़ा सा थोड़ी सी और डाल देते हैं। यार अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और अब यार अब हम इसमें इतना सा कोई कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। अब हम इसको स्मैश करेंगे, ये देखें इतना अच्छा, ये देखें इतना अच्छा स्मैश हो गया। देखें सही तरह स्मैश हो गया, ये कोई बुरा नहीं यार, सही हो गया। थोड़ा सा उस पता है अभी कि वैसे थोड़ा सा दूध ज़्यादा डाल गया था। अब हम इसमें यही चम्मच थोड़ा सा हम डालेंगे, वो क्या कहते हैं ये यार पाउडर, कोक पाउडर, ये थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर, ये इतना सा हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। यार अब हम 1 टीस्पून डालेंगे कोका पाउडर का, तो यार अब हम उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स अच्छी तरह करना है। यार अब इसको थोड़े बड़े बर्तन में कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं फुल स्मैश हुआ है, बहुत ही अच्छा स्मैश, देखो अब बनता कैसा है। इसमें अब एक ओरियो डिप कर देंगे हम। यार अब चम्मच का डाल दो, चम्मच का कोई काम ही नहीं है, बस बन गया। अब इतना सा बनाया, पहली दफ़ा बनाया ना, थोड़ा कम ही बना है। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से कसिंग कर देना कवर, ये सारा ऊपर उसके ऊपर आ जाए। चलो यार और ये अच्छी तरह से टिप हो गया, अब ये थोड़ा सा दूध बची है हम पी लेते हैं। अरे आप इसको ओवन में रखते हैं 1 मिनट के लिए। अब मैंने इसको ओवन में रख दिया 1 मिनट के लिए। चलो यार अब बंद कर दो। तो यार अति देर हमें सारा उखला खुला उठा ले, इससे पहले कि मम्मा से हमें डांट पड़ जाए, सारा उठा उखला। साफ कर दो बाहर ना पड़े।
यार ये देखो मुझे तो सही लग रहा है, बन गया ना, बाहर निकालते हैं इसको, गर्म है तो कपड़ा पकड़ना पड़ेगा। यार आप देख के मुझे बताना कि कैसा बना है, मैं अब इसको थोड़ी देर ठंडा करने लगा हूँ, गर्म तो नहीं मेरे से खाया जाना। एक बाइट तोड़ के देखते हैं कैसा बना है, और मुझे तो लग रहा है अच्छा बना है, देखते हैं अब टेस्ट करेंगे, अभी नहीं खाना मैंने, टेस्ट करेंगे कैसा बना है। चलो यार अब इसको हम ऊपर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलो यार अब हम इसको चखें, ना नहीं हुआ है, देखते हैं कैसा बना है, एक बाइट चख रहे हैं। यहाँ पे यार केक ना थोड़ा सा गंदा बन गया था यार, पता नहीं कैसा गिज गिजा नरम सा बन गया था, इतना अच्छा नहीं बना जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने, बस ठीक ही बना मेरे मुंह देखें। यार केक तो अच्छा बना है, बस थोड़ी सी कसर है, पहली दफ़ा बनाया ना, थोड़ा सा नरम बन गया, क्योंकि तो थोड़ा सा मैंने और बेक किया, अब देखते हैं थोड़ा ठंडा होने के बाद कैसा बना है। तो यार मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि केक कैसा बना है, आपको कैसा लग रहा है बना हुआ। यार मेरा ना व्लॉग एडिट करने का दिल ही नहीं कर रहा था, जल्दी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से यार लेट हो गया मेरा, तो व्लॉग 2 दिन का बना पड़ा हुआ है, मैं कहा था कर लेंगे एडिट कर लेंगे, तो आज करने बैठा ही हूँ, चेक करो लैपटॉप को भी मसला आ गया आज, वो जिस ऐप से मैं एडिट करता हूँ उसको मसला आ गया, वो चल ही नहीं रही है, देखो अब कब तक आएगा व्लॉग, शायद लेट ही आया। आप तो कैसा लगा आप सबको आज का मेरा व्लॉग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, और आप लोगों ने भी मेरे साथ बारिश और मौसम इंजॉय किया और शॉपिंग भी इंजॉय किया। यार लाइक और सब्सक्राइब करो यार, ऐसे तो नहीं होता है कि व्लॉग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक करते नहीं, आधी से ज़्यादा वहाँ ऐसी है वो सब्सक्राइब करती नहीं है, बस व्लॉग देख के चली जाती है, फ्री के चस्के लेके चली जाती है। यार लाइक लाजमी करना है, शेयर भी, सब्सक्राइब करना मस्त है यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, 1K तक जल्दी जल्दी पहुँचाओ यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मेरा से आपके लिए व्लॉग बनाते, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार, तो करो ना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो।